अब बात करी जाए सेक्शन 69 की। सेक्शन 69 बीएनएस एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ छल से यानी कि डिसीव तरीके से या शादी का वादा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको सजा मिलती है। अब देखा जाए सेक्शन 69 एक नया प्रोविजन है, पर अगर आईपीसी में बात करी जाए तो सेक्शन 90 में इसके कुछ देखे जाते थे, इसके तरीके देखे जाते थे, ठीक है। बट आपका प्रॉपर ये नया कानून आया है और इस पे बताया कि फॉल्स मैरिज के ऊपर, कि मतलब अगर कोई कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की से कोई वादा करता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा और शादी के बहाने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है तो उसमें इसके सेक्शन 69 की प्रोसीडिंग होगी। और यहाँ पर डिसीव का भी है, डिसीव का मतलब यहाँ पर ही हो गया छल से। मान लीजिए कोई किसी को प्रमोशन का लालच दे देता है या कोई किसी को नौकरी का लालच दे देता है, इन चीजों से अगर कोई करता है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो कहता है एक लड़की को कि मैं तेरे को प्रमोशन करवाऊंगा या मैं तेरे को आगे एक जॉब दिलवाऊंगा, इस बहाने उसकी कंसेंट लेता है लड़की की और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो उसे सेक्शन 69 के तहत सजा मिलेगी।